एनडीआरएफ टीम के लौटने के बाद मिला 5 दिन पहले मालवे में दबे जेसीबी ऑपरेटर अंकित का शव। राजगढ़ के प्लासला गांव में लैंडस्लाइडिंग से गई संगड़ाही लाना चेता पंचायत के युवक की जान। एसडीएम राजगढ़ ने सरकार और प्रशासन की ओर से जारी की 40,000 की फौरी राहत। एनडीआरएफ टीम लौटने के बाद प्रशासन ने जारी रखी जेसीबी मशीन से खुदाई। सिरमौर जिला के उपमंडल राजगढ़ के अंतर्गत आने वाले गांव प्लासला में सोमवार सड़क से मलबा हटाने के दौरान भूस्खलन की चपेट में आई जेसीबी ऑपरेटर अंकित का शव आज 5 दिन बाद जेसीबी मशीन से गहरी खुदाई किए जाने के दीक्षित हालत में मिला। और तलब है कि करीब 4 दिन तक यहाँ अत्याधुनिक उपकरणों अथवा तकनीक से 22 वर्षीय अंकित को ढूंढने के रेस्क्यू ऑपरेशन का दावा कर रही एनडीआरएफ की टीम कल शाम जा चुकी थी और इसके बाद स्थानीय प्रशासन अथवा एसडीएम ने जेसीबी से खुदाई कर सर्च ऑपरेशन जारी रखने को कहा। स्थानीय लोगों द्वारा सुझाई गई जगह पर करीब 10 फुट गहरी खुदाई के बाद आखिर सर्च ऑपरेशन कामयाब रहा और क्षतविक्षत हालात में बॉडी को रिकवर किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों तथा स्थानीय पंचायत प्रधान के अनुसार करगाणू पंचायत के प्लासला गांव की सड़क से मलबा हटाए जाने के बाद जब अंकित अपनी जेसीबी लेकर लौट रहे थे तो अचानक भारी मात्रा में भूस्खलन से मशीन दब गई। अगले दिन हालांकि दूसरी जेसीबी मशीन की मदद से यहां खुदाई करवाए जाने के दौरान जेसीबी मिल गई थी, मगर मृतक अंकित का पता लगाने में 5 दिन लग गए। 22 वर्षीय अंकित पुलिस थाना संगड़ा के अंतर्गत आने वाली लाना चेता पंचायत के किट्टा गांव के रहने वाले हैं और उनके परिजन हर रोज उनके मिलने की उम्मीद लगा रहे थे। हालांकि अब उन्हें भी बेटे के जिंदा रहने की आस नहीं थी। डेड बॉडी मिलते ही इसे पोस्टमार्टम के लिए राजगढ़ हॉस्पिटल ले जाया गया और रेस्क्यू अथवा सर्च ऑपरेशन समाप्त हुआ। एसडीएम राजगढ़ यादवेंद्र पाल के अनुसार मृतक के परिजनों को सरकार अथवा प्रशासन की ओर से 40,000 की फौरी राहत राशि जारी की जा चुकी है। की शाम को प्लासला के पास एक जेसीबी हादसे में एक व्यक्ति जो था उसका अता पता नहीं लग पा रहा था और ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद वहाँ पे जो मलबा गिरा था, लैंडस्लाइड हुआ था, कि उसकी चपेट में आ गया है। तो उसके बाद तुरंत पुलिस, स्थानीय जो लोग थे, पंचायत, उनके स्तर पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। उसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ की 14 बटालियन की टीम को भी यहाँ बुलाया गया, सर्च एंड रेस्क्यू टीम को। और आज 6ठे दिन उसमें हम उस पर जो बॉडी निकालने में कामयाब रहे और उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए राजगढ़ हॉस्पिटल भेज दिया गया है और परिवार को फौरी राहत प्रदान कर दी गई है।